2024 के सबसे बड़े गोचर परिवर्तन के क्रम में आज राहु के नक्षत्र परिवर्तन पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। एक ऐसे नक्षत्र पर राहु देव विद्यमान होने जा रहे हैं जो कि शनि का उत्तराभाद्रपद नक्षत्र होगा। ये वही शनि देव हैं जो कुंभ राशि के अपने ही लग्नाधिपति और राशि के स्वामी बनते हैं, और इस कारण से ये जो टाइम होगा 8 जुलाई से लेकर के 16 मार्च 2025 तक का, ये समय बेहद महत्वपूर्ण होगा कुंभ राशि के लिए, क्योंकि 8.5 महीने के दरमियान ये राहु शनि के नक्षत्र पर ही रहेंगे, अर्थात आपके अपने राशि के स्वामी के नक्षत्र पर रहेंगे। समझते हैं कि वास्तव में होना क्या है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ हमने 2 चार्ट यहाँ पर निर्माण किया हुआ है जिसमें हम ये बताने का प्रयास करेंगे कि वास्तव में इसकी सूक्ष्मता है क्या। एक चार्ट हम अधिकतर लेकर के आते हैं, लेकिन आज मुझे 2 चार्ट लेकर के आने का अवसर क्यों प्राप्त हुआ, क्यों मैंने आखिर 2 चार्ट लेकर के आया, इसकी बारीकियों को आपके समक्ष पहुंचाने का एक हमारा प्रयास है। यहाँ पर ये पॉइंट ही इतना महत्वपूर्ण हो जाता है कि एक चार्ट में इसे कवर करना संभव नहीं हो पाता, और शायद इसी कारण से हम आज प्रेडिक्शन को आगे बढ़ा रहे हैं इन 2 कुंडली के माध्यम से, जिसमें हमने बेस बनाया है आपके कुंभ लग्न राशि को, और इसी के अनुसार सारा कुछ हम यहां पर निर्धारित करने जा रहे हैं। समझते हैं, जानते हैं कि वास्तव में इस नक्षत्र परिवर्तन का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। समझिएगा, कुंभ राशि के ठीक दूसरे भाव पर राहु देव विद्यमान है अक्टूबर सन 2023 से लेकर के अब तक। अब एक ऐसा समय है, और ये आगे भी रहेंगे, लेकिन अभी एक ऐसा समय है 8 तारीख को ये नक्षत्र परिवर्तन कर जाएंगे। भाई, ये नक्षत्र परिवर्तन में क्या प्रभाव, क्या चेंज होगा, इसको समझिएगा। एक राशि है, राशि तो मीन राशि हो गई, जो आपके दूसरे घर पर बनता है, और इसी के अंतर्गत 3 अलग अलग नक्षत्रों पर राहु का भ्रमण होगा। इस हिसाब से इसे हमने 3 भागों में विभक्त किया, एक पहला घर, दूसरा घर, तीसरा, मतलब एक घर के अंदर भी 3 घर हैं, जिसमें से रेवती नक्षत्र को राहु ने कंप्लीट कर लिया। अब वो प्रवेश करेंगे उत्तराभाद्रपद नक्षत्र पे। होना क्या चाहिए था, राहु को एक घर आगे बढ़ना चाहिए था, रेवती के बाद इनको प्रवेश करना था अश्विनी नक्षत्र पे। चूंकि राहु का साइकिल उल्टा चलता है, राहु उल्टी गति के चलने वाले ग्रह हैं, और इसलिए ये एक नक्षत्र पीछे का स्थान चुना, अपना घर चुना, और इस हिसाब से ये उत्तराभाद्रपद नक्षत्र पर ये राहु देव आज विद्यमान हुए। अब शनि जिसके नक्षत्र पर जाना है, शनि के पास 3 नक्षत्र होते हैं, जिसके आधार पर एक पुष्य नक्षत्र हो गया। पुष्य नक्षत्र 4थी राशि को रूल करता है, फिर हो गया अनुराधा नक्षत्र, अनुराधा नक्षत्र 8वीं राशि को रूल करता है, फिर हो गया उत्तराभाद्रपद नक्षत्र, और जो रूल करते हैं 12वीं राशि को, अर्थात जहाँ पर राहुदेव अभी विद्यमान है। अब जिसमें से एक योग बनता है 4, 8, 12 का, एक ट्राइन बनता है, एक ट्रेंगल बनता है, एक त्रिकोण बनता है, जिसका प्रभाव भी हमें इस समय पर सर्वाधिक देखने को मिलेगा। उस हिसाब से देखा जाए तो 2 ये 12 नंबर पर हैं, ये 4था स्थान हो गया और ये 8वां स्थान हो गया। इसे माना जाता है अर्थ त्रिकोण, और अर्थ त्रिकोण का मतलब ही हो गया एक अपने आप में एक आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का एक अवसर आपके लिए प्राप्त हुआ है। कौन कौन से इवेंट और हो सकते हैं, क्या कारण होगा, इस बात को समझते हैं। देखिए, धन भाव पर राहु है, राहु के पास एक भूख होती है, राहु के पास एक तड़प होती है कि भाई मुझे वो इवेंट चाहिए जहां पर मैं मौजूद हूं, और आपके धन भाव पर ही ये प्रभावी है, अर्थात आपके अंदर वो जुनून दे दिया, वो तड़प दे दिया कि मुझे किसी भी रूप में अपने आर्थिक लक्ष्य को मुझे प्राप्त करना ही करना है। यही राहु अब ज्यादा प्रभावी हो जाएगा आपके अपने राशि के ऊपर इनका नक्षत्र परिवर्तन के द्वारा। चूंकि जो ये दूसरा घर होता है, यही हमारे कुटुंब का होता है, इसलिए कौटुंबिक जीवन में भी कोई अशांतियों का वातावरण यदि हमें देखने को मिला है या हम सहन कर पा रहे हैं, तो उससे भी हमको निजात करने का एक अवसर मिलेगा। चूंकि यही हमारा कुटुंब का भाव भी होता है, इसलिए कौटुंबिक जीवन में जब राहु अभी तक चल रहे थे, कई प्रकार से कौटुंबिक और आर्थिक समस्याओं को भी हमने यदि झेला है, तो ये एक समय ऐसा होगा जहां पर मेरे राशि के स्वामी के अधीन होकर के राहुदेव हमको रिजल्ट प्रदान करेंगे। अर्थात सबसे बड़ा जो एक्सपीरियंस आपको प्राप्त होगा, वो आपके धन से जुड़े हुए कार्य इस समय पर पूर्ण होने की संभावना काफी प्रबल होती है, क्योंकि अर्ध त्रिकोण में आ रहा है। दूसरी तरफ एक और हाउस एक्टिवेट होगा, वो होगा आपका 6ठा घर। 6ठा घर को माना जाता है प्राप्ति का स्थान। अभी तक जो हमने कर्म किया है उसके प्राप्तियों को यदि देखना है, तो यही 6ठा भाव है। अब इस हिसाब से देखा जाए तो 7वें भाव से ये 12वां है, मतलब आपके जो क्लाइंट है, आपका जिनके संग आपका डील होता है, उनके द्वारा आपको प्राप्ति का योग बन सकता है। 6ठा भाव हो गया आपके डेली रूटीन का। इस समय पर बहुत अच्छे दिनचर्या को आप निर्वहन करेंगे, उठना बैठना, खाना पीना, हर दृष्टिकोण से आप एक नियम कानून का पालन करेंगे, यही है 6ठा भाव।
भाव। छठा भाव होता है आपके जॉब का, आपके नौकरी का। अब नौकरी भाव भी यहाँ पर प्रभावी हो रहा है, इसका मतलब ये हो गया एक अच्छे नौकरी की आप तलाश कर रहे हैं, कोई नौकरी अभी हाथ में नहीं है, कोई अच्छे नौकरी की प्राप्ति यहाँ हो सकती है। वर्तमान जॉब में आप हैं, आप उस पर कोई इंक्रीमेंट चाहते हैं, लाभ चाहते हैं, तो भाई लाभ भाव तो यहाँ प्रभावी है ही, क्योंकि ट्राइन में हमारे लाभ दशम भाव आया, तो दशम भाव अर्थात हमारे कर्म के द्वारा हमें लाभ की संभावना सर्वाधिक यहाँ पर महत्वपूर्ण होती है। स्वाभाविक सी बात है, आपके जीवन में हो या हमारे जीवन में हो, हमें लाभ की प्राप्ति तभी होती है जब हमारा काम धाम अच्छा चलता है, अर्थात दशम भाव यहाँ प्रभावी है, हमारे कार्य की निरंतरता यहाँ पर सिद्ध होती है। अब दशम भाव यहाँ पर अत्यधिक प्रभावी हो जाएगा, जो हमने काम किया है, जो हमने पूर्व में मेहनत किया है, उस मेहनत का पारिश्रमिक दिलाने में यहाँ पर राहु देव आपके समक्ष आपके संग संग चलने वाले एक ट्राइन के माध्यम से, ये जो समय है ये हमारे लिए अर्थ त्रिकोण का समय है, इसलिए धनदायक स्थिति तक आपको पहुँचाने में कोई भी विलम्ब मुझे अगले 8.5 महीने तक नज़र नहीं आती है। अब चूंकि इसी को हम समझते हैं अगले गोचर के माध्यम से, अगले एक चार्ट के माध्यम से, अब यहाँ पर हो क्या रहा है कि राहु देव को हमने यथावत यहाँ पर लिख दिया आपके धन भाव पर, शनि से दूसरा घर, मतलब आपके अपने राशि से दूसरा घर, 18 साल बाद राहु का गोचर हुआ है आपके धन भाव पर। अब ये 18 साल बाद आए हैं और इसके बाद पुनः फिर से घूम फिर करके 18 साल बाद आएंगे, तो आज जो समय है उसका हम लाभ क्यों नहीं लें। यहाँ पर वैदिक ज्योतिष का एक सूत्र आपको याद दिलाना चाहूँगा कि कोई ग्रह अपने नक्षत्रों के अधीन होकर के हमें रिजल्ट प्रदान करता है। उस हिसाब से देखा जाए तो राहु यहाँ पर शनि के नक्षत्र पर है, राहु के पास जो घर है वो है दूसरा, शनि के पास जो घर है वो पहला, और ये 12वें भाव के भी स्वामी बनते हैं। तो हमको क्या मिल गया, 2, 1, 12 का एक कॉम्बिनेशन हमको इस गोचर के दौरान मिल गया, 2, 1 और 12 का एक कॉम्बिनेशन हमको देखने को मिल गया। अब इस दरमियान होगा क्या, आर्थिक दृष्टिकोण से ये आपको और अधिक मजबूती प्रदान करेंगे, क्योंकि राहु के पास कोई बाउंड्री वॉल नहीं है, राहु के पास कोई सीमा नहीं है, एक असीमित ग्रह के रूप में हम राहु को देखते हैं और धन भाव पर है, अर्थात धन का लक्ष्य आप जहां तक चाहते हैं उस धन की पूर्णता आपको राहु यहां पर करा जाते हैं, बस शर्ते हमें अपने काम पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता होगी, क्योंकि यहां पर 10 नंबर की राशि यहां पर एक्टिवेट हो रही है जो कि शनि है, अर्थात हमारे शनि पर हमने फोकस कर लिया, अपने कर्म पर फोकस कर लिया, तो निश्चय मानिए एक बड़े आर्थिक लाभ आपका इंतजार कर रहा है, ये राहु है आपका धन भाव पर होना। क्योंकि राहु के अंदर एक ऐसा जुनून था, समुद्र मंथन की कथा आपको याद होगी कि जहाँ पर एक तरफ तो सभी देवता बैठ गए, दूसरी तरफ सभी दानव बैठ गए, भगवान नारायण ने मोहिनी का रूप धारण कर लिया, सभी देवताओं को अमृत का पान कराने लगे, देवता दानव को नहीं मिला, तो उस कंडीशन पर राहु का दिमाग खटक किया, राहु का दिमाग, और जा करके देव स्वरूप बना करके, स्वांग बना करके वो धन के मतलब अर्थात अपने देवताओं को लाइन में जा करके बैठ जाते हैं, फलस्वरूप उन्हें भी अमृत का पान करने का सौभाग्य मिल जाता है। अब यही राहु हमारे धन भाव पर है तो कितनी भी विपरीत स्थिति है, हमें धन की प्राप्ति नहीं है तो हम उस पर काम कर पाएंगे, ये राहु का एक प्रभाव हो गया, और शनि के द्वारा अब ज़्यादा अच्छा मजबूत प्रभाव हमें प्रदान करने की एक युक्ति यहाँ पर दिखती है। अब चूंकि यहाँ पर लगन भी प्रभावित होगा, लगन प्रभावी होना अर्थात इस समय पर जो ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि शनि यहाँ पर वक्री भी चल रहे हैं, अपने स्वास्थ्य पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता भी यहाँ पर बनती है, क्योंकि 1, 12 का कॉम्बिनेशन मिला है, 1 हमारा शरीर है, 12वां चिकित्सालय है, हमको किसी न किसी कारण से चिकित्सालय से भी जोड़ सकते हैं, इसलिए यदि हम नियम कानून से रहते हैं, अपना जो दैनिक जो परहेज है, जो खान पान में परहेज है, अपना व्यायाम योगा प्राणायाम इत्यादि हम संलग्न रहते हैं तो वो हमको प्राप्त नहीं होगा, नेगेटिव प्रभाव प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि लगन को मजबूत बनाने के लिए सदैव हमको योग व्यायाम इत्यादि करते रहना चाहिए, जिससे लग्न मजबूत रहा अर्थात आपका शनि मजबूत होता है, क्योंकि शनि ही कर्म है, शनि ही पसीना है, जब पसीना हमारे शरीर से बह जाए समझे शनि हमारे अच्छे प्रभाव में आ गए। अब यहाँ पर 2 और 12 का एक कॉम्बिनेशन मिलता है, तो दूसरा दो नंबर आपका धन है, आपका पैसा है, और 12वां स्थान हो गया आपके इन्वेस्टमेंट का, तो इस कारण से कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करने का आप योजना बना रहे हैं, 8.5 महीने तक आपके पास समय है, उस पर आप योजना बना सकते हैं, उस पर आप लाभ ले सकते हैं। एक कोई विदेश संबंधी, विदेश से धन आना कैसे आ जाए भाई धन, तो दूसरा घर हमारा धन है, 12वां घर विदेश है, तो जो विदेश में रहते हैं एक अच्छा योग बनेगा, धन की प्राप्ति उनकी बढ़ सकती है, जो विदेशों से या इंपोर्ट एक्सपोर्ट संबंधी काम करते हैं उनको धन की प्राप्ति वहां से मिल सकती है। जो जीवन में मेडिटेशन ध्यान साधना की ओर अग्रसित हैं या फिर अवचेतन मन या फिर मनोविज्ञान से जुड़े हुए काम करते हैं उनको यहां पर सफलता काफ़ी हद तक प्रबल होती है, क्योंकि हमारा 12वां घर यहां पर एक्टिवेशन में है,
सिर्फ यही नहीं, जो हॉस्पिटल में काम करते हैं, जो जेल खाने में काम करते हैं, क्योंकि जेल का स्थान हमारे कारागृह का स्थान बारवा घर ही है और यही स्थान हमारे हॉस्पिटल का भी होता है, तो जो उस फील्ड में काम करते हैं उनको यहाँ पर आर्थिक प्रबलता देखने को मिलेगी। देखा जाए तो शनि हमारा कर्म है और राहु उसमें अत्यधिक बढ़ोतरी है, इसलिए कर्म क्षेत्र में प्रगति के दृष्टिकोण से इससे अच्छा कोई ट्रांजिट नहीं हो सकता। 8.5 महीने का समय है जो हमारे काम को हम एक बहुत ऊंचे लेवल तक पहुंचा सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, कोई भी संसार में ऐसा व्यक्ति नहीं जो बिना शनि और राहु के सपोर्ट के अपने कार्य क्षेत्र को बहुत ऊंचाई तक ले जाए, और शायद इसी कारण से राहु अब शनि के नक्षत्र पर है, अर्थात वो हमारे अंदर वो इस समय पर प्रभाव जागृत है कि हम उस कार्य को कर सकते हैं। राहु की 5वीं दृष्टि को देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, ये आपके नौकरी को ही देख रहे हैं, तो जो रोग ऋण इत्यादि जो बने हुए हैं, जो कर्जे बने हुए हैं, उस पर इस 8.5 महीने पर आप काम कर पाते हैं, उसका अनुभव आप ले पाते हैं। नया कोई लोन लेना है अनुकूल समय रहेगा, इस समय पर आपको मिलने की उम्मीद भी संभावना काफ़ी प्रबलता से आगे बढ़ती है। नौकरी के लिए हमने पहले ही बताया, नौकरी के लिए समय बेहद अनुकूल है, उस पर आप काम कर सकते हैं। परिवर्तन चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं, नौकरी में इंक्रीमेंट चाहते हैं, पोजिशन चाहते हैं, भाई राहु से बड़ा पोजिशन कौन दे सकता है? नेम फेम के दूसरे ग्रह माने गए हैं राहु, और शायद इसी कारण से राहु आपके इसकी पंचम दृष्टि अब शनिवत हो चुकी है, जो कि मेरे कर्म क्षेत्र मेरे नौकरी के लिए एक अनुकूल समय हो गया। देखा जाए तो यह सेवा का स्थान है, मैंने जो सेवा किया है दूसरों का, आपके अंदर इस समय पर सेवा की भावना जागृत होगी, अपना तो हित करना ही है साथ में दूसरों का हित करना है, इस मानसिकता को लेकर के यदि आप आगे बढ़ते हैं तो निश्चय मानिए एक श्रेष्ठ समय आपका इंतजार कर रहा है, एक श्रेष्ठ अनुभूति आपको दिलाने वाला यह समय सिद्ध हो सकता है। उम्मीद है आप सबने इसे समझा, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। बहुत मोटिवेशन मिलता है हमें, बहुत अच्छा लगता है कि भाई हमने इतने दिनों तक जो इस वीडियो को बनाने में जो प्रयास किया है, जो मेहनत किया है, उसका पारिश्रमिक, उसका मूल्य हमें मिला आपके एक लाइक के माध्यम से। और यदि आप चाहें तो इस वीडियो को दूसरों तक शेयर कीजिएगा, तो क्योंकि ज्ञान को बांटना, दूसरों को शांति प्रदान करना अपने जीवन में भी शांति का संचार करा जाता है। अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय श्री राम।